बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है राहिल शेख, आप लोग देख रहे हैं रास मार्केटिंग। व्यूवर्स, जो अभी सेट कवर करने जा रहा हूँ, इसका प्रोमो पिछली वीडियो में आप लोग देख ही चुके होंगे। गोल्ड का फर्नीचर, मतलब गोल्ड इसको इसलिए कहा गया है कि पूरा फर्नीचर जो है वो गोल्डन गोल्डन है और ब्राइडल सेट है और बहुत ही अच्छा डिज़ाइन जो है वो बना हुआ है। और ये फर्नीचर मौजूद है करीमाबाद की फर्नीचर मार्केट इमरान सन्स पर। इमरान सन्स पर एक से बढ़ के एक डिज़ाइन जो है वो आते रहते हैं। अभी ये फर्नीचर की प्राइस वगैरह भी इसके अंदर डिस्क्लोज़ करनी थी, रमज़ान ऑफ़र भी डिस्क्लोज़ करनी थी, तो आपसे जो है वो इन डिटेल वीडियो में बात करते हैं और प्राइजेस वगैरह जानते हैं और सेट की क्वालिटी जानते हैं सेल्समैन से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सर, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। आप रहमान भाई, सबसे पहले बताइए कि आज क्या चीज़ लेके आए और इसमें क्या ऐसी चीज़ है जो इसको यूनिक बनाती है? सर, इसमें सब ये जो हमने ब्राइडल सेट बनाया है, इसके अंदर गोल्ड का गोल्डन काम हुआ हुआ है ज़्यादातर। इसके अलावा बेड में जो है कि कुशन का काम किया हुआ है, क्योंकि कुशन बहुत ज़्यादा इन हुआ हुआ है मार्केट में, ज़्यादातर कस्टमर कुशन को जो है कि पसंद कर रहे हैं, तो कुशन के साथ और गोल्डन कॉम्बिनेशन में जो है कि ये सेट बनाया है। इसकी आप क्वालिटी वगैरह भी आपको दिखा देंगे। इसमें जो गोल्डन का काम हुआ हुआ है, इसमें अक्सर जो है कि कस्टमर सोचते हैं कि ये जो गोल्डन का काम हुआ हुआ है यार, ये कुछ टाइम में जो है कि ब्लैक हो जाएगा, इसका कलर जाएगा, तो इस चीज़ की गारंटी होगी इमरान सन्स की तरफ से कि इसमें ऐसी कुछ नहीं होगा। 4 से 5 साल तक आपका ये जिस तरह का है फर्नीचर ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई आपको जो एक डिफेक्ट नज़र नहीं अच्छा आएगा। अच्छा, ये जो अभी शीट लगी हुई है गोल्डन कलर की जो आप बता रहे हैं, तो गोल्डन है क्या चीज़? ये एक्रेलिक है, प्लास्टिक है, क्या चीज़ है? सर, ये एक्रेलिक की शीट है, एक्रेलिक का पेपर होता है, उसके ऊपर ये जो एक CNC कटिंग हुई हुई है। तो CNC कटिंग के बाद इसके ऊपर, उसमें भी जो है कि CNC कटिंग होने के बावजूद भी इसमें कहीं पे भी कालापन नज़र नहीं आएगा आपको, बिल्कुल जैसा गोल्डन कलर है सेम वैसा ही नज़र आएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं व्यूअर सेट की तरफ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ड्रेसिंग से, फिर इसके बाद जो है वो पूरी तमाम चीज़ें दिखाते हैं। तो सर, ड्रेसिंग के बारे में बताइएगा और ड्रेसिंग का लुक भी दिखाइएगा। सर, ड्रेसिंग ये ज़्यादातर जो है कि अभी रिवॉल्विंग ड्रेसिंग चल रही है, तो उसके अंदर जो है कि फुल मिरर चलता है, फुल जो है कि रिवॉल्विंग रखा हुआ होता है, तो उसकी जो है कि मज़बूती में भी बहुत फ़र्क होता है कि इतनी ख़ास मज़बूती उसमें नहीं आती है, लेकिन कस्टमर को जो है कि बहुत अच्छी लगी वो चीज़, इसलिए हमने उसको शॉर्ट करके बनाया है। ये आप देख सकते हैं ड्रेसिंग में, हमने इसमें हाफ जो है कि ये ब्यूटी बॉक्स दिया है, एक साइड पर आपका ये मिरर लुक दिया हुआ है, दूसरी साइड पर आप इसको अगर ऐसे घुमा के देखें तो इसमें ये बॉक्स बना हुआ है, इसमें आप आराम से अपना सारा सामान रख सकते हैं। ब्यूटी बॉक्स जी, ये ब्यूटी बॉक्स है, इसमें आपका कॉस्मेटिक का सारा सामान आ सकता है। इसके अलावा इसमें हाइड्रोलिक कब्जे का काम किया हुआ है कि इसकी पल्ले की मजबूती बरकरार रहे, पल्ले में कोई कमज़ोरी ना आ सके, और इसको अगर आप सोचें कि जैसे कि ये घूमने से गिर जाएगा या कुछ हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता इसके अंदर। इसको आप जितना चाहे जिस तरीके से चाहे घुमाएंगे, ये आराम से जैसे कि मूव होता रहेगा। इसके अलावा इसमें 3 दराजे दी हैं, दराजों पर जैसे कि ये हैंडल, सबसे बेहतरीन चीज़ हैंडल का काम इसके अंदर। हैंडल भी दिखाइएगा बड़े करीब से, कि एक यूनिक स्टाइल के हैंडल हैं जी, आप और बताइए। ये बिल्कुल यूनिक स्टाइल के जो है कि हैंडल हैं, और इसके फर्नीचर की मैचिंग के, क्योंकि ज़्यादातर कस्टमर यही चीज़ देखते हैं कि जो है कि यार हैंडल वगैरह जो है ना वो फर्नीचर की मैचिंग के हों, वरना अक्सर फर्नीचर में मजबूती भी हो और चीज़ भी अच्छी हो। अक्सर कस्टमर यही चीज़ देखते हैं कि यार कस्टम फर्नीचर जो है कि और डिज़ाइन का है, इसमें जो हैंडल का काम हो रहा है वो बिल्कुल अलग ही हो रहा है। ठीक है, तो इसमें हमने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा है। और इसकी ड्रॉज़र में आपको दिखाऊँगा कि इसकी ड्रॉज़र में गोली चैनल का काम हुआ हुआ है, कि बच्चे वगैरह अगर ड्रॉज़ को खींचते हैं तो ये ड्रॉज़ आपका बाहर नहीं आएगा, ये लॉक रहेगा ड्रॉज़। इसके अलावा इसमें जो लॉक का काम हुआ है, ये भी लॉक भी बहुत अच्छी क्वालिटी के यूज़ करें, स्टील चाबी में यूज़ करें हैं, मार्केट में जो आपको दिखेंगे वो प्लास्टिक की चाबी वाले जो है लॉक नज़र आएंगे। 3 ड्रॉज़ के साथ जो है कि ये अलग से जो है कि कैबिनेट बनाया है, कि इसमें आपके जो है कि बड़ी चीज़ें आराम से आ सकती हैं, जैसे कि शूज़ बॉक्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें, बड़ी चीज़ें इसमें आराम से आ सकती हैं। और इसमें भी जो है कि हाइड्रोलिक कब्जे का काम किया है, इसी वजह से कि पल्ले में मजबूती रहे, और फर्नीचर से बिल्कुल मैचिंग का है। इसमें जो है कि ये डिज़ाइन देखें आप, ये गोल्ड रिंग दिया है इसके अंदर फर्नीचर की बिल्कुल मैचिंग का, कि फर्नीचर आपका पूरा एक ही लुक में नज़र आएगा, कि कहीं से भी कोई चीज़ ऐसी नहीं लगेगी कि ये फर्नीचर से हट के नज़र आ रही है। तो व्यूवर्स, आपने देखा ड्रेसिंग, अब चलते हैं अलमारी की तरफ। वार्डरोब जो है वो इसकी स्लाइडिंग डोर है और इसके अंदर फुल मिरर वर्क हुआ हुआ है, तो सर इसके बारे में भी बताइए। सर, स्लाइडिंग अलमारी में इसमें आप देख सकते हैं कि एक तो फुल मिरर का काम हुआ हुआ है,
इसके अलावा ये मिरर जो है कि शीट के ऊपर प्रेस हुआ हुआ है, सिलिकॉन से प्रेस हुआ हुआ है ये। अगर ज़्यादातर कस्टमर देख के सोचते हैं कि जे के ये हमारा मिरर इतना बड़ा जे के इसमें लगा हुआ है तो ये टूट जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये शीट के ऊपर प्रेस हुआ हुआ है मिरर आपका, कि बच्चों का हाथ लगे या कोई चीज़ भी इस पर लगती है तो इंशाल्लाह आपका ये शीशा कहीं नहीं जाएगा। इसके अलावा इसको अंदर से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अंदर से इसमें देखें कितने सारे बॉक्सेस बने हुए हैं, अलग अलग पोर्शन बने हुए हैं, अलग अलग किस्म के कपड़े आप इसके अंदर आराम से जे के रख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें हर वीडियो में जिस तरह आपको बताया जाता है, हमारी इसमें भी बताना चाहूँगा आपको कि हमने इसमें स्लाइडिंग का बहुत ख़ास ख्याल रखा है, कि स्लाइडिंग चैनल हमने इसमें बहुत अच्छी वाली यूज़ करी है। तो हमारे कस्टमर से ये कि ये कहना है कि अगर आप ये सोचते हैं कि यार इसकी स्लाइडिंग ख़राब हो जाएगी तो इसका कुछ नहीं हो सकता, इस चीज़ की हम आपको गारंटी भी देंगे। ठीक है, दूसरी तरफ का भी दिखा दीजिएगा। दूसरी साइड पे आप इसको बाहर से देखेंगे तो बाहर से इसका बिल्कुल लुक देखें, इसका जो है कि बिल्कुल फर्नीचर से मैचिंग का जो है कि लुक दिया है। इसके अलावा डोर के अंदर, इस डोर के अंदर अक्सर जो है कि कस्टमर्स जो है कि हमें बोलते हैं कि जो है कि ये यार पल्ला इतना बड़ा है कि ख़राब होने का डर होता है इसका, तो इसकी मज़ीद पायदारी बढ़ाने के लिए हमने ये स्टील की पट्टी का काम किया है इसके अंदर। ठीक है, कि ये इसकी मजबूती बरकरार रहे, ये अपनी जगह से हिले ना, बिल्कुल स्ट्रेट पल्ला रहेगा इसके अंदर। की तरफ भी दिखा दीजिएगा हमारे व्यूअर्स को। अंदर की साइड पे जो है कि ये हैंगर बनाया है, फुल हैंगर है, हैंगर भी जो है कि स्टील की रॉड वाला हैंगर यूज़ करा है, कोई आयरन का जो है कि हैंगर हमने इसमें यूज़ नहीं करा है। हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा दिखा दीजिएगा कि किस तरीके का जो है वो इसका वार्डरोब है। इसमें ये अंदर दो ड्रॉजे दी हुई हैं, ठीक है। इसके अलावा हैंगर दिखा दीजिएगा, इनको हैंगर स्टील का यूज़ करा हुआ है इसमें। लॉक साइड में लॉक दिए हुए हैं इसमें, ये साइड का लॉक है इसका, इसको आप डोर को जो है कि बंद करने के बाद इसको बंद करेंगे आप, उसके बाद ये आराम से आपका डोर लॉक हो जाएगा। ठीक है व्यूअर्स, ये वार्डरोब भी आपने देख ली। इंडिविजुअली भी अगर आप लोग चाहें तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो में गिवन है, इंडिविजुअल लेना चाहें, अलमारी हो, ड्रेसिंग हो, डिवाइडर हो, वो भी आप पूछ सकते हैं। पूरा सेट लेना चाहें, उसके प्राइस भी जो हैं वो पिछली वीडियो के अंदर जो आपको एक प्रोमो बना के दिखाया गया था उसमें मेंशन था। लेकिन मज़ीद जो है वो आज वीडियो बनाने की नौबत यूँ पेश आई कि मज़ीद जो है वो हमारी व्यूअर्स के लिए इसके अंदर और मज़ीद डिस्काउंट दिया गया रमज़ान के लिए, ताकि ईद के बाद आप इजीली इस फर्नीचर को जिसकी शादियां हैं वो बुक करवा सके। तो बेड की तरफ चलते हैं, तो रहमान भाई बेड के बारे में भी बताइएगा। सर बेड में आप देख सकते हैं कि इसमें कुशन का काम हुआ हुआ है, गोल्डन के साथ साथ कुशन का काम किया है इसमें, हमने ब्लू कलर का कुशन रखा है। इसके अलावा अगर कस्टमर अपनी मर्ज़ी से कलर चेंज करवाना चाहें तो वो भी इसमें हो सकता और है। अच्छा एक और चीज़ बताइएगा कि अभी जैसे ये ग्रे शेड पर बना हुआ है, वाइट शेड पर बना हुआ है, तो कोई भी शेड बना सकता है? जी 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 जी, जो आप बोलेंगे उस कलर में बन जाएगा, जो चीज़ आप जैसी कहेंगे वैसी बन जाएगी। पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, इस वीडियो में भी बताऊँगा कि इमरान सन्स इस मार्केट का वो नाम है कि अगर आप अपनी मर्ज़ी की कोई चीज़ बनवाते हैं और अगर वो आपकी मर्ज़ी की नहीं बनती है तो हम आपको वो चीज़ दूसरी बनवा के देंगे। ठीक है, इस चीज़ की हमारे पास से आपको गारंटी भी मिलेगी कि अगर आपकी मर्ज़ी की चीज़ नहीं मिलती है हम ऑर्डर कैंसिल नहीं होने देंगे आपका, कि आपके दोबारा से बना के देंगे, दोबारा से दूसरी चीज़ बना के देंगे अगर आपकी मर्ज़ी की नहीं बनती है तो। अच्छा एक चीज़ मुझे और भी पूछनी थी, जैसे इसके ऊपर जो गोल्डन वर्क हुआ हुआ है एक्रेलिक का, तो इसी के अंदर सिल्वर वर्क वगैरह भी होता है या सिर्फ गोल्डन ही आता है एक्रेलिक? नहीं सर, सिल्वर में भी इसमें हो सकता है। हो सकता है जी, बिल्कुल। तो व्यूअर्स आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर गोल्डन जो वर्क हुआ हुआ है, एज़ पर रिक्वायरमेंट आप इसको सिल्वर कलर भी करवा सकते हैं, कुशन चेंज करवा सकते हैं, इसका जो अलमारी का जो कलर है लेमिनेशन जो शीट है उसका कलर भी आप चेंज करवा सकते हैं। इसके साथ साथ आप ये देखें कि इसके साथ साइड टेबल्स दो लगी हैं जिसके अंदर झूमर का काम हुआ हुआ है, और इसके अंदर और कुछ ऑल्ट्रेशंस वगैरह भी करवाना चाहें, मिसाल के तौर पे अगर आप बेड में दराजे बनवाना चाहें तो बेड में दराजे भी बनवा सकते हैं, उसके डेफिनेटली अलग चार्जेस होंगे। और इसके अलावा जो है वो अब डिवाइडर भी देखते हैं, डिवाइडर की तरफ चलते हैं। तो सर डिवाइडर के बारे में भी बताइएगा। सर डिवाइडर इसका जो हमने बनाया है ये 3 डोर में ही डिवाइडर बनाया है जी, कि इसके अंदर आपका ज़्यादा से ज़्यादा सामान आ सकता है जी। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मिरर लगा हुआ है इसमें, आप शोपीस वगैरह रखना चाहें वो रख लें, बर्तन रखना चाहें बर्तन रखें। उसके अलावा इसमें LED लाइट्स का काम किया हुआ है कि पूरे फर्नीचर में ही LED लाइट्स का काम पूरे फर्नीचर में ही करा है, क्योंकि लाइटिंग जो है कि ज़्यादा कस्टमर की रिक्वायरमेंट आ रही है कि लाइटिंग वाला फर्नीचर होना चाहिए। सिंपल भी है, लाइटिंग है, अक्सर लोग सोचते हैं यार लाइटिंग वाला होगा तो बहुत ज़्यादा भरा हुआ डिज़ाइन लगेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल से डिज़ाइन रखा है, उस पर लाइटिंग का काम किया है तो कोई इतना आपको हैवी भी नहीं लगेगा, अच्छा भी लगेगा और पायदार भी रहेगा।
इसमें भी जो है वही काम हुआ हुआ है गोल्डन एक्रेलिक का, ये भी आप देख सकते हैं। इसमें जो वही हैंडल वगैरह लॉक देख लें आप, लॉक भी अच्छी क्वालिटी के वही स्टील की चाबी के यूज़ हुए हुए हैं। अंदर से अगर आप इसको देखें तो अंदर से इसमें भी ये टोटली जो है हाइड्रोलिक कब्जों का काम हुआ हुआ है। ठीक है, इसका ये सब चीज़ें दिखाने का मकसद ये है कि इमरान सन्स पे आपको क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ मिल ही नहीं सकता। ठीक, तो आपने इसकी डेप्थ क्या रखी है सर? सर इसकी डेप्थ अक्सर डिवाइडर की जो डेप्थ होती है वो 10 इंच 12 इंच होती है। ठीक है, इसकी जो हमने डेप्थ रखी हुई है 16 इंच की डेप्थ रखी हुई है कि आप बड़े बर्तन भी आराम से रख सकें, क्योंकि 12 इंच में 10 इंच में जो है कि बर्तन पूरे नहीं आ सकते, बर्तन गिरते हैं। तो इसके लिए हमने ये एक्स्ट्रा जगह दी है कि आप बड़े बर्तन रखेंगे तो वो आपके गिरेंगे नहीं। सही है। तो व्यूअर्स, आपने देखा इस पूरे सेट को, अब इसके प्राइस वगैरह जानते हैं कि इसके प्राइस क्या हैं। तो रहमान भाई, इसके प्राइस बताइएगा कि अभी हमने जो प्रोमो डाला था उस टाइम पे फर्नीचर कितने का था और अब जो है वो आप फर्नीचर कितने का दे रहे हैं? सर, आपने हमारा जो प्रोमो देखा होगा उसमें हमने इस फर्नीचर की प्राइस रखी थी 1,40,000 रुपये। अब हमने रमज़ान की वजह से एक तरीके से, आप ईद की, ईद का तोहफ़ा है हमारी तरफ से आपके व्यूवर्स के लिए ख़ास तौर पे, कि अगर वो आते हैं और इस फर्नीचर को परचेज़ करते हैं तो ये 1,40,000 वाला सेट हम आपको 1,20,000 रुपये में देंगे। मज़ीद हमने इसमें 20,000 रुपये का डिस्काउंट और दे दिया। अच्छा, जिस टाइम पर हम वीडियो इसकी कर रहे थे आपने इसके प्राइस मुझे 1,60,000 बताए थे। जी, तो उस टाइम पे आपने 1,40 कर दिए थे, लेकिन मज़ीद अभी आपने ये कि डिस्काउंट इसके अंदर 20,000 और दे दिया। सर, मज़ीद इसलिए दिया है कि आपके व्यूवर्स जो है कि बहुत सपोर्ट करते हैं हमारी वीडियोस को, शेयर्स करते हैं, व्यू देखते हैं, लाइक करते हैं, इसलिए हमने ईद का भी ऊपर है तो इसकी वजह से हमने अपनी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट रखा है ये कि लोग आए कम प्राइस में, ईद के बाद शादी है, बिल्कुल कि वो आए कम प्राइस में अच्छी चीज़ लेके जाए। ठीक है, तो व्यूअर्स देखा आपने कि बहुत ही मुनासिब तरीन जो है वो आपको चीज़ मिल जाएगी इमरान सन्स पे 1,20,000 में 4-पीस फर्नीचर और गोल्डन कलर, गोल्ड का फर्नीचर लगता है। मतलब अगर आप लाइटिंग का लुक देखेंगे, लाइट इधर आप जब जलाएंगे अपने घरों के अंदर तो बहुत ही ज़बरदस्त लुक देता है ये फर्नीचर। आप भी जो है वो इमरान सन्स फर्नीचर मार्केट करीमाबाद विज़िट करें, समझ आए आपको चीज़। डिज़ाइंस बहुत सारे मौजूद होंगे, आपको कैटलॉग भी दिखाई जाएगी, आपको डिफरेंट कैटेगरीज़ के फर्नीचर दिखाए जाएंगे। जो समझ आए ऑर्डर पे बनाया जाता है, मेक टू ऑर्डर किया जाता है। आप आएँ, अपना फर्नीचर बुक करवाएं और जो है वो जल्द अज़ जल्द जो है वो इसकी मेकिंग 15 से 20 दिन, मैक्सिमम 1 मंथ आपको जो है वो फर्नीचर रेडी मिल जाता है। इसी तरह से व्यूअर्स मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।